सो नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स कह रहा है, अ डिस्क रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस फ्रॉम रेस्ट एक्वायर्स एंगुलर स्पीड 100 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड इन 4 सेकेंड्स. सो हमको फाइंड करना है हाउ मच एंगल इट रोटेट्स इन 4 सेकेंड्स. तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं. एक डिस्क बना ली मैंने, ये हम डिस्क मान लेते हैं. और सपोज ये डिस्क रोटेट कर रही है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी जो थी इसकी वो 0 थी और रेस्ट से स्टार्ट हुई थी. अभी इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है 4 सेकंड्स के अंदर इसकी वेलोसिटी हो जाती है ओमेगा डैश मान लेता हूँ, और ये हो जाती है 100 रिवॉल्यूशन पर सेकंड 4 सेकंड्स में. सो टाइम इक्वल्स टू 4 सेकंड्स. क्वेश्चन बोल रहा है ये 4 सेकंड्स में कितना एंगल कवर कर लेगी. तो इस सबसे पहले इसकी जो वेलोसिटी है उसको अपन रिवॉल्यूशन पर सेकंड से रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे. तो रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमको इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपकी बन जाएगी 2 पाई इंटू 100 रेडियन पर सेकंड. अब क्योंकि जब ये घूम रही होगी इतनी स्पीड से 4 सेकंड्स तक के लिए, तो कितना एंगल घूम रही रोटेट कर, एक बार घूमेगी तो 360, दो बार घूमेगी तो 360 इंटू 2, ऐसे कितना एंगल कवर करा होगा इसने. तो यानी कि हमको सेकंड, जब हम बात करते हैं लीनियर मोशन की, स्ट्रेट लाइन मोशन की, तब हम डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाली इक्वेशन से. यहाँ पे घोल घूम रही है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यू की जगह आ जाएगा ओमेगा टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ठीक है ना. अब हमको यहाँ पे पहले अल्फ़ा चाहिए, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी डियर स्टूडेंट्स, अल्फ़ा हो जाएगा हमारे पास जैसे एक्सेलरेशन होता है ना, वी माइनस यू बाई टी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम. तो ऐसी एंगुलर एक्सेलरेशन होता है फाइनल एंगुलर एक्सेलरेशन. फाइनली तो वेलोसिटी इतनी होगी, इनिशियल 0 थी, तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई इंटू 100 यानी कि 200 पाई माइनस 0 अपॉन में 4, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी अपन ने रेडियन में कन्वर्ट कर दी तो इसलिए 200 पाई लिखा मैंने, ठीक है. और इनिशियल जो हमारी ये स्पीड थी ये 0 थी, तो थीटा हो जाएगा हमारा हाफ अल्फा टी स्क्वायर. तो थीटा आ जाएगा हमारे पास हाफ अल्फा हो गया 200 पाई बाय 4, और टाइम लगा हमको 4 सेकंड्स, यानी कि 4 इंटू 4 16, राइट. तो यहाँ पे आ जाएगा 16. अब हमको इसको सॉल्व करना है, तो 4 ये कैंसिल हो जाएगा और ये 2 और 100 यहाँ पे 100 आ जाएगा, तो हमारे पास जो एंगल आएगा वो आएगा 400 पाई. तो 4 सेकंड में ये 400 पाई रेडियंस एंगल जो है कवर कर लेगी. सो दिस इज़ द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.